बम बोल बम सांस के बंधे बम भोला ले डोरी सांस के बंधे बम भोला ले जीव शिव है शिव जीव है शिव जीव है जीव शिव ते जा रहे हैं तो अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो उधर ना भक्त जनों का इतना लंबा लाइन। सिकुंड से जल लेकर जाते हैं श्रद्धालु, देख सकते हैं यहाँ पर। कितना समय से निकले हो? हाँ, 5:30 से। अच्छा, कहाँ से अभी निकले हो? डायरेक्ट वही गाँव से ना। फिर से एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज है 11 अगस्त और कल है 12 अगस्त यानी कि सावन सोमवार। तो गाइस, आज कई श्रद्धालुगण जल लेकर आ रहे हैं और कल सावन सोमवार को जो ना जल अभिषेक करेंगे। तो गाइस, अभी आप लोगों को लेके जा रहे हैं सिहावा नगरी, जहां से श्रद्धालुगण यानी कि बोलबम गए हुए हैं, उन लोग जल लेकर आ रहे हैं, उस लोकेशन पे लेके जाएंगे और बीच बीच में आप लोगों को श्रद्धालुगण यानी कि जो बोलबम गए हुए हैं उन लोग से भी मिलाएंगे और बातचीत करेंगे कि उन लोग कब गए थे, कितना समय से निकले हैं, ये सब पूछेंगे। तो कल केशकाल गोब्रहिण में जल अभिषेक करेंगे कई श्रद्धालुगण और कई तो अपने अपने जगह पे करेंगे, जहां जहां जल अभिषेक करते हैं वहां वहां करेंगे। तो गाइस, कल कोरगांव में 18 बेस लगने वाला है, बोलबम की जो समिति है वो 18 बेस डीजे सारंगा को लगा के यहां से कोरगांव से निकलेंगे सीधा केशकाल गोब्रहिण के लिए। तो उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जी सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनल गाइस, हम लोग कोरगांव पहुंच गए हैं, कोरगांव का अटल चौक है। तो हम लोग यहां से सीधा चलते हैं सिहावा नगरी और विश्रामपुरी होते हुए। गाइस, अभी कोरगांव से निकले हुए हैं और कोरगांव और कोंगेरा के बीच में यहां पर भी श्रद्धालुगण अभी पहुंचे हुए हैं, देख सकते हो कि जितने लोग भी आज जल लेकर आ रहे हैं वो शाम को रेस्ट करेंगे, उसके बाद मॉर्निंग से ही जो ना फिर केशकाल गोब्रहिण के लिए निकलेंगे। तो भाई लोग, आप लोग कितना समय से निकले हो सिहावा से? रात में कितना समय निकले थे? 4 बजे के निकले थे और वही गांव में। अच्छा हाँ। तो अभी कहाँ जाओगे? अभी सीधा हम लोग सीधा वहाँ जाएंगे। सीधा वहाँ ना? अच्छा हाँ, ठीक। तो गाइस, इन लोग जो ना अभी सीधा वहाँ जाएंगे है ना, वहाँ से सीधा कल गोब्रहिण के लिए निकलेंगे। क्योंकि तो सबसे पहले पूछते हैं भाई, तो भैया लोग, आप लोग कितना समय से निकले हो? हाँ, 5:30 से। अच्छा, कहाँ से अभी निकले हो? डायरेक्ट वही गांव से ना। अच्छा, कहाँ वाले हो आप लोग? सिदावण वाले ना। अच्छा ठीक, अभी सिदावण में रुकोगे यानी कि? अच्छा हाँ, ठीक है भैया। अच्छा ठीक, बोल बम। तो गाइस, ये जितने भी श्रद्धालुगण है ना वही गांव रुके थे। ये जो ना सिहावा नगरी जाने वाला रोड में है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग केशकाल वाला वही गांव मत समझ लेना, सिहावा नगरी वाला वही गांव है, वहां रुके थे। देखो, 4 लोग जा रहे हैं, ये जितने भी गाड़ी आप लोग देख रहे हो ना बोलबम का जो झंडा बांधे हुए हैं, ये सभी लोग जो ना बम वालों की ही गाड़ी है। तो यहां पर हम फ्यूल अप करवाते हैं। ये देखो, यहां पर भी जितना भी अब यहां गाड़ी खड़ा हुआ है ना, ये सब बोलबम वालों का ही है। आप लोग देख सकते हो 4-4 गाड़ियां खड़े किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूल अप करवाते हैं, देन निकलते हैं सीधा सिहावा नगरी के लिए। तो फाइनली फ्यूल अप करवा लिए हैं और हम निकल रहे हैं सीधा। तो भाई सब, अभी तो इस रोड में काफ़ी सारे श्रद्धालुगण दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं बीरापारा में और यहाँ पर भी श्रद्धालुगण पहुँच गए हैं, ये देख सकते हो। धीरे धीरे कंटिन्यू आते जा रहे हैं, पूरी बस स्टेशन के पास पहुंच गए हैं। आप लोग देख, इन लोग भी अभी जा रहे हैं। तो हम लोग अभी आमाडी रोड साइड जाके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालुगण इसी साइड से आते हैं। ये भाई लोग भी जा रहे हैं पानी वानी बाटा ले सब पकड़ के। कई लोग बाइक में आ रहे हैं, वही है ना, रेस्ट किए हुए हैं ना, खाने की व्यवस्था की गई है। ये देख सकते हो, यहाँ पर भी खीर वगैरह ये सब की व्यवस्थाएँ की गई है। इन लोग कहाँ से हैं और कब निकले थे? अच्छा भाई, आप लोग कब निकले हो? कल से निकले हो? शाम को। अच्छा, कहाँ से निकले हो? सीधे नगरी से? नगरी से, हावा नगरी। अच्छा, कहाँ से हो आप लोग? हम लोग केशकाल। अच्छा ठीक, ये बोलने की हालत नहीं है। अच्छा हाँ, ये देखो सिस्टम भी लगाए हुए भाई साहब बोलबम वाले। ये देखो, कम से कम 10 से 11 लोग होंगे। ये देखो भाई, हाय बोल रहे हैं। तो लोग से पूछते हैं कि इन लोग कहाँ से हैं। बोलबम बोलबम, सुनिए, आप लोग कितने समय से निकले थे सिहावा से? कितना टाइम? रात को 10 बजे ना। हाँ। तो कहाँ से हो आप लोग? नहीं, गांव का नाम बताओ ना। गोहार बुहान, अमा गुहान के पास। हाँ। अच्छा,
तो कहाँ जल अभिषेक करोगे आप लोग? मंदिर गांव में ही है। अच्छा ठीक, बोल बम बोल बम। अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर खीर वगैरह सब, पानी वगैरह सब दे रहे हैं श्रद्धालु गणों को, ये देख सकते हो। सब कैसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं सरदालू गढ़ तो हम लोग सिहावा पहुंच गए हैं। और गाइस नदी में कितना पानी है आप लोग देख सकते हो, इधर ज़्यादा तो नहीं है, कम ही जा रहा है पानी। आगे से राइट साइड जाना है श्रृंगेरी से पहाड़ के लिए। इससे हमको जाना है सीधा श्रृंगेरी से पहाड़, जो कि एक बड़ा सा गेट भी बना हुआ है। मेरा श्रृंगेरी से पहाड़ अभी भी श्रद्धालुगण ऊपर दिख रहे हैं, तो जाएंगे और दिखाते हैं आगे कि कितना ज़्यादा भीड़ है ऊपर साइड। तो रास्ता काफ़ी छोटा है भाई इस साइड जाने का, देख सकते हैं पूरा। यहाँ से फिर राइट जाना है श्रद्धालुगण जो ना ए वाले पिकअप में आए हुए हैं, और शायद इसी में जाएंगे या तो पैदल भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी गाड़ी वगैरह इस साइड खड़े किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और तेरे बीच में गड्ढा है भाई। तो गाइस ये है श्रृंगेरी से पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता इस साइड से, आप लोग देख सकते हैं। इधर इस साइड से चढ़ना है तो बड़ा सा गेट भी बना हुआ है, तो पूरा किनारे किनारे दुकान लगाए हुए हैं। इस साइड देख सकते हो मिठाइयों की दुकान है ना, माला वगैरह सब तो दुकानें हैं, देख सकते हैं। साइड खड़े कर दिए हैं और अब सीधा आप लोग को ऊपर साइड लेके चलते हैं। नहीं गाइस आप लोग देख सकते हो नारियल और नीम पत्ता सब ले लिए हैं, 30 रुपये है ये। तो चलो यहाँ पर किनारे किनारे बहुत सारे ऐसे दुकान मिलेंगे जहाँ से नारियल वगैरह सब ले सकते हो, तो कुछ इस तरह से तो हम लोगों ने ले लिया है। तो अब ऊपर साइड चढ़ते हैं भाई, और ये देखो कुछ इस तरह सीढ़ी वगैरह, आज से 2 साल पहले आया था और अब देखो कुछ इस तरह से है ना। बहुत सारे मंदिर वगैरह भी हैं ऊपर से, ऊपर निकाल सकते हैं। तो इधर भी एक मंदिर है बजरंगबली का, और इस साइड में तो बहुत ज़्यादा हाइट रही है, तो चढ़ने में काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ होती है, देख सकते हो। आप लोग कहाँ से हो? ओडिशा से। हाँ। अच्छा ओडिशा से भी आए हुए हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे, बहुत ज़्यादा थक लग गया भाई, वाट लग गया भाई, ऐसा मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे ऊपर चढ़ते तक। ये देखो पूरा हाइटेड में, तो बीच बीच में फोटो शूट ये सब भी कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा लग गया है ऊपर साइड भी। Let's get the high.
हाइटेड सीढ़ी है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा थक लग गया भाई है ना। थोड़ा सा आप तो देख सकते हैं थक गए, तो आप लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये देखो, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं अब। ये देखो यहाँ से कुछ इस तरह से लग रहा है, अभी श्रद्धालुगण कुछ इस तरह से चल रहे हैं। और देखो बोलबम वाले अभी पानी लेने के लिए जा रहे हैं, बोले तो जल, तो जल अभिषेक करने के लिए जल लेने जा रहे हैं। ये देख सकते हो बोलबम वाले, बिन तोरे इच्छा सरी जगत मां नहीं हाल है डारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए दाना। कन कन मां नस नस मां भोला तोर पर छो हसमाए हैं तोर कृपाले धरा। गाइस पूरा हालत खराब हो गया ना, पूरा पसीना ही पसीना। कैसा लग रहा है चढ़ के ऊपर साइड? बहुत अच्छा लग रहा है। थक नहीं लगा? लग रहा है, लग रहा है ना। हाँ, अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर साइड, जहाँ से जल लेकर जाते हैं श्रद्धालुगण बोलबम वाले। तो ये वही कुंड है, तो भी आप लोगों को दिखाते हैं, देख लो है ना। यही कुंड से जो ना, यहीं के कुंड से जो ना जल लेकर जाते हैं श्रद्धालुगण, देख सकते हो। तो अभी हम श्रद्धालुगण जल लेके खड़े हैं, अब यहाँ से जाएंगे है ना, कल जल अभिषेक करेंगे, उसके लिए भी निकलेंगे। और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुगण हैं। सांस के बंधे बम भोला ले डोरी, सांस के बंधे बम भोला। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं। तो आप लोगों को कुंड दिखा दूँ, एक्सक्यूज मी थोड़ा। तो गाइस कुछ इस तरह से कुंड है ना, इसी कुंड से जल लेकर जाते हैं श्रद्धालु, देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी इतना पानी बाकी है। कुछ इस तरह से कुंड है। तो पिछले साल, आज से 2 साल पहले तो यहाँ पर पानी डाल रहे थे, लेकर खड़े हैं ना। अब कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे। कहाँ आ रहे हो भाई लोग आप लोग? सिवनीपाल से। अच्छा, सिवनीपाल वाले हैं। तो अभी यहाँ से पैदल जाओगे ना? क्या में जाओगे? गाड़ी में ना। अच्छा, तो यहाँ से जाके कहाँ रुकोगे अभी? सिवनीपाल में। अच्छा, कल कितना समय निकलोगे वहाँ से पैदल? गोबरेन के लिए। गोबरेन में जाओगे ना? किसका? 7 बजे ना, पाँव वगैरह धो सकते हैं। तो देख सकते हैं इस साइड भी नारियल वगैरह सब को यहाँ पर बांध दिए हैं। ये देखो, दर्शन कर लीजिए आप लोग। तो अंदर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो उधर ना, भक्तजनों का इतना लंबा लाइन। तो चलो बाकी साइड का आप लोगों को दिखाते हैं जब तक लाइन कम हो जाए। ये देखो यहाँ का व्यू दिखाते हैं। देखो श्रद्धालुगढ़ यहाँ कितना ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है श्रद्धालुगढ़। ये देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं ना, सिहावा का किस तरह से यहाँ से व्यू मिलता है। ये देखो भाई, सिहावा सिटी दिख रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखें तो नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ से दुधावा डैम जो है ना, दुधावा बांध है, वहाँ का पानी क्लियर ही दिख रहा है। इतना अच्छा यहाँ से व्यू मिल रहा है ना दुधावा डैम का, तो नेक्स्ट लेवल। और इधर साइड तो गाइस यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है ना, हमको और भी जगह जाना है, तो इतना ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर स्पेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों को आगे साइड जो इधर से जो निकलने का है उस साइड लेके जाएंगे। तो यहीं पर चढ़ा देते हैं भाई साहब। वैसे तो अभी बहुत सारे श्रद्धालुगण आ ही जा रहे हैं भाई, इतना ज़्यादा भीड़ है ना। ये तो सुबह से ही लगा हुआ है आज, और कल भी वैसे ही भीड़ होगा। सामने है रेस्ट हाउस, तो इस साइड से श्रद्धालुगण निकलते हैं। आप लोगों को इस इधर का सीन आप लोगों को दिखाते हैं। तो कई लोग खाना वगैरह लेके आए हुए हैं, यहाँ पर बैठ के खाएँगे अभी, खा रहे हैं। इसी तरह आप लोगों को इस साइड से, हाँ तो जी हाँ गाइस, इस साल इधर आना जाना बंद है आई थिंक। ये देखो है ना, इधर पहले ऐसा नहीं था, और इस साइड पूरा लोहा का जो बना दिए हैं। देखो श्रद्धालुगण का लंबा लाइन लगा हुआ है ना, दर्शन करके दूसरे साइड से निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर जल है वो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही बचा है। ये देख सकते हैं किस तरह से निकाल रहे हैं अभी, थोड़ा सा ही बचा है अभी।
दादा मांग रहे हैं ये देखो, इतने से बचे तो किस तरह से जिले में लेके जाएंगे यहाँ से घर। हमें दो ऐसे अभी यहाँ पर काफी ज्यादा अभी भीड़ हो गया है और कुंड का पानी अभी खत्म हो गया है। आप लोग देख सकते हो मैंने पहले दिखाया था, ये देखो भीड़ लगा हुआ है। तो वैसे और अभी श्रद्धालुगण आ ही रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा लंबा लाइन है, ते जा रहे हैं। बस आप लोगों को मंदिर के अंदर साइड तो लेके नहीं गए, लेकिन आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए, है ना, रेस्ट करेंगे से बाबा। ये देखो गाइस, आप लोगों को ऊपर लेके गए हैं ना दर्शन करवानी, भाई इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ था। तो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। तो आई होप आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।